यस, नैसर्गिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, माँ के कोख से आदमी लेके नहीं आता है। सक्सेस के लिए मेरे हिसाब से चैलेंज लेना बहुत ही जरूरी है। मेनी 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 पीपल हैव नॉट लेड द फाउंडेशन फॉर देयर एडवांसमेंट। आज जो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं एक 6 मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूँ, विच आर 6 reasons दैट यू शुड रिमेंबर इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई योर सक्सेस। सक्सेस को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेलियर को स्टडी करना बहुत जरूरी है, और सक्सेस के लिए एक जबरदस्त पर्पस, लक्ष्य, गोल की जरूरत होती है। आज हम ये 6 बातों के ऊपर बात करेंगे, और अगर आपने ये 6 के 6 के ऊपर आपने काम किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले 6 से 9 महीने में आप भी अपना सक्सेस का ग्रिप को वापस ला पाएंगे। अगर आप पहले सक्सेसफुल थे और अभी नहीं है तो आप ला पाएंगे, और अगर आप सक्सेसफुल रीजनेबली नहीं है तो आप 9-10 महीने में इसका फाउंडेशन को आप बिल्ड कर सके। एक जमाने में मैंने खाया था कि इस दुनिया का एकदम जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर आर द मोस्ट ब्लडी पावरफुल स्पीकर मैं बनूंगा, और यूनाइटेड नेशंस के सामने खड़े रह के प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स को मैं टॉक दूंगा, और मैं वर्ल्ड का एक जबरदस्त कम्युनिकेटर बनूंगा। ऐसा मैंने एक लक्ष्य रखा था और मेरे को एम्बिशन था वो बनने का, और मेरे पास विल पावर था उस टाइप का इंसान को बना के लेने का। खाली मन में सपने रख के काम नहीं होता, 80% काबिलियतें जो तेरे को 50 साल में रिक्वायर होने वाली है तेरे को ये उम्र में डेवलप करना पड़ेगा। आज का प्रॉब्लम क्या है कि लोग पैसे के पीछे भागते हैं उम्र में। ये उम्र में गाड़ी बीड़ी के पीछे भागने का नहीं, ये उम्र में मेरे को 3 बेडरूम हॉल किचन लेने का और सब चक्कर में नहीं पड़ने का। ये उम्र में 3 बेडरूम हॉल किचन अगर लेने का जो पैसा था ना वो इस पे लगाने का, 3 बेडरूम का जो पैसा है वो इस पे लगाने का। 2 things दैट यू हैव नेवर डन बिफोर। कॉन्फिडेंस का मतलब है हर सिचुएशन में आप एक फाइटर है। बहुत साल पहले मेरे को समझ में आया कि हर चीज का होने के लिए कुछ होना जरूरी है। जो प्रोसेस आपने फॉलो किया, जो स्ट्रेटजीज आपने फॉलो किया, जो सिस्टम आपने फॉलो किया, सबको चैलेंज करो, वो सिस्टम को चैलेंज करो, वो प्रोसेस को चालू करो, हर वो चीज जो चला तेरे लिए ये उम्र के पहले उसको चैलेंज करो और बदल। यू विल आइदर सक्सीड और यू विल फेल। आप आइदर सक्सेसफुल होंगे या फेल होंगे। अगर आप फेल हो गए अभी तो आप जवान हैं, अगर आप सक्सीड हुए तो एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ इट।